हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं रेसिपी से क्या लेके आई थी। चलो तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक तो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कपूरदानी ली है, जो मतलब इसमें कपूर डाल के जलाते हैं, सुबह शाम अच्छी खुशबू होती है और ये लाइटिंग है, जलती है इसकी, बड़ी अच्छी लगती है, रात को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरे घर में ना बड़ी अच्छी खुशबू हो जाती है। और फिर हम ये कपूर भी लेके आए थे, और ये मैं वहाँ से क्लेचर लेके आई हूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। और घर का इतना सारा काम रहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, आपको लग भी रहा होगा मेरे फेस से कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ और अब ना दोपहर के 12 बज गए हैं। ये देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, और अब भी मतलब सारा काम करने के बाद अब दोपहर का खाना और मुझे सिलाई वगैरह भी करनी होती है। गए हैं बेटी को कोचिंग और वो आने वाले हैं 12:30 बजे तक, तो उससे पहले मुझे खाना भी बनाना है। तो मैंने दाल बना दी है, अब उसको छोंकना है दाल को, और फिर मैं चावल बनाऊंगी और रोटी भी बनाऊंगी। और आज चावल मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि जो चावल हम गांव से लेके आए थे वो वाले चावल हैं, क्या बोलते हैं उसको, तूड़ा बासमती, तो वो कुकर में अच्छे नहीं बनते। उसकी खिचड़ी तो अच्छी बनती है, लेकिन खिले खिले से चावल अच्छे नहीं बनते। तो आज मैं भगोने में बनाऊंगी, पानी में उबाल के, तो आज देखती हूँ वो कैसे बनेंगे और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैं थोड़ा आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, धूप अच्छी निकली हुई है, नीचे बच्चे भी खेल रहे हैं, और ये मेरा इधर मशीन भी रखी हुई है, सिलाई भी मैं करती हूँ। तो ये मैंने 2 सूट भी सिले हैं और सिलने बाकी हैं, वो रखे हैं संदूक के ऊपर। और ये संदूक भी बहुत पुराना है हमारा, ये मेरी सासू माँ का संदूक है, और इसमें पहिया वगैरह सब है, मतलब ये लकड़ी का बना हुआ है, ये ऐसा है। तो इसमें मेरे जितने भी मतलब सिलाई के कपड़े वगैरह, जो बर्तन वगैरह हैं, वो मैं इसी में रखती हूँ, जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और ये एक काम बहुत अच्छा आता है इस पर, कि हमने इस पर प्रेस कर लेते हैं, ये प्लेस स्टैंड बहुत अच्छा है, बैठना भी हो तो हम इस पे बैठ भी जाते हैं, तो बहुत फ़ायदा है इन चीज़ों का। कल कपड़े धोए थे, तो ये कल नहीं परसों शाम धोए थे, कल तो माता पूजी थी तो कल तो कपड़े धोए नहीं, तो ये भी ऐसे अभी पड़े हुए हैं, उतारे हैं सुबह। और बस समय का पता ही नहीं चलता कि मतलब इतनी जल्दी भागता है, मुझे लगता है कि मेरा तो बहुत ज़्यादा भागता है समय। और ये मैंने रात मलाई इकट्ठी करके दही जमाई थी, अब मैं इसको बुलाऊंगी, और मैंने डाला इसमें 1 गिलास पानी, इसको चला दूंगी। तैयार, अब जो इसकी छाई होगी वो हम दोपहर के खाने में यूज़ करेंगे। ताज़ा मक्खन निकाला है, तो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भी माखन, और मेरे पास मिश्री ख़त्म हो रखी है तो मैंने चीनी रखी है इसमें, तो माखन और चीनी का भोग लगा दिया है। और ये है हमारे लड्डू गोपाल, देर कहाँ, अभी आधा घंटा तो लगता ही है हमें आने में। आज जरूर बापू बेटी ना कुछ खा के आए हो बाहर, अभी हम कुछ नहीं खा के आए। तो ये मैंने चावल के लिए पानी रख दिया था गर्म, ना ये गर्म हो गया, तो यहाँ मैंने चावल भी साफ करके धो लिए हैं, और 5-6 बार इनको पानी में, और एक बार मैं इसको चला दूंगी। और मंदिर मंदिर आज में हम इसे पकाएंगे। और मुझे बनाना है घिया का रायता, तो घिया मैंने धो के छील के मैं से कद्दूकस कर लूँगी अब, और उबलने के लिए गैस पे चढ़ाऊँगी, और ये घिया भी मैं उबाल लूँगी।
और ये मैं बीच बीच में ये चावल देख लूंगी, अभी तो कच्चे हैं चावल हमारे, पक गए हैं ये मैंने चेक किए हो गए। और यहाँ मैं इसे छलनी में छान लूंगी सारे चावल, और जो इसका मांड है वो सब नीचे भगोने में इकट्ठा हो जाएगा। और ये हमारे चावल हो गए हैं बनके तैयार खिले खिले। तो ये मैं दाल छौंक रही हूँ, तेल गरम हो गया है, जीरा हींग डाल दिया है, प्याज डाल दूंगी मैं, और ये छौंक हो गया हमारा लाल, तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने पीस लिए थे, पीसे हुए ठीक रहते हैं, जल्दी गल जाते हैं, ये अच्छे से पके। तो मैं इसे मिक्स कर लूँगी अब, और ये भी पकेगा अच्छे से। मिक्स करने के बाद जब ये थोड़ा सा मसाला इस पकेगा तो मैं इसमें ये दाल भी डाल दूँगी। और सिर्फ 2 मिनट इसमें अगर आपको लग रहा है कि भाई दाल ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसमें आधा गिलास पानी डाल सकते हैं। तो घी उबल गया है जितना मुझे चाहिए, मैं इसमें डाल दूंगी ये घी, लेंगे काला नमक, भुना हुआ जीरा, और ये अच्छे से करेंगे मिक्स। ये हमारा घी का वैसा, अब मैं इसमें सारे ही घी डाल दूंगी, थोड़ा गाढ़ा सा ही अच्छा लगता है। और दाल हमारी तैयार है, मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया था काट के, और धनिया। और ये है आज की थाली, उड़द की दाल, चावल, घी, बूरा, रायता।